हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपके कमर में पीछे बहुत दर्द रहता है, या फिर आपकी जो टांग है उसको पूरी एक नस आपकी दबती है जिसके कारण आपको साइटिका का पेन सताता है, कमर दर्द सताता है, नस दबने की समस्या है, तो आज मैं आपको इसका पूरा इलाज बताने जा रही हूँ। तीन ऐसी क्रियाएं बताने जा रही हूँ जो अगर आप रोजाना सिर्फ एक बार भी कर लेते हैं तो सर्दियों के दिनों में ना केवल इस दर्द से छुटकारा पालेंगे बल्कि इस समस्या से भी पूरी तरह से छुटकारा पालेंगे। तो चलिए जानते हैं इसे करना कैसे है। साथ में इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी चीजें नहीं खानी, किन चीजों का परहेज करना है और कौन सी चीजें इस वात रोग के अंदर, क्योंकि जो ये साइटिका का दर्द है, ये कमर दर्द है, ये वात रोग के अंदर आता है। वात रोग के अंदर कौन सी चीजें खाना आपके लिए फायदेमंद है, ऐसे कौन से पत्ते हैं जिनको अगर आपने 15 से 20 दिन भी ले लिया तो ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये तीनों स्टेप आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपको क्रिया बताऊंगी इसके साथ कौन सी चीजें नहीं खानी और क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है ये भी। तो चलिए क्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सीधे लेट जाना है, उसके बाद अपने पैरों को कुछ इस तरीके से करना है, ऊपर नीचे। ये हमारी नसों की जो स्टिफनेस होती है, जो नसों में जकड़न है, मांसपेशियों में स्टिफनेस है, उसको दूर करती है। जब भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में स्टिफनेस आ जाती है तो जकड़न आने से नसों में ब्लॉकेज और नसों में दबाव जो है वो बढ़ जाता है और खून का फ्लो, ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से कम आपने 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट के लिए आपने ऐसा जरूर करना है। तो आपने दूसरी क्रिया के अंदर क्या करना है, सांस लेते हुए अपने बाहर की तरफ होना है, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर की तरफ, फिर सांस लेते हुए उसको पैरों को बाहर कर दीजिए, सांस छोड़ते हुए पैरों को अंदर कर लीजिए। ऐसा कम से कम आपने 30 से 40 बार करना है। ऐसा करने से कमर दर्द रिलैक्स हो जाता है। आपको किसी दवाई को लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारे मसल को जकड़न से बाहर कर देता है। आप सोचते हैं कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर आपने इसे अभी कर लिया तो रिजल्ट अभी आपके सामने होगा। बस इस तरीके से करना है, धीरे 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 धीरे, इसे तेज करने की जरूरत नहीं है। सांस लेना है, पैर बाहर होंगे, सांस छोड़ना है, पैर अंदर हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्रिया को आपने करना है। अब बात करते हैं लास्ट क्रिया कौन सी है। अब आपने करना क्या है, तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया को करने के लिए आपने राइट साइड का जो फुट है उसके ऊपर अपने लेफ्ट साइड के फुट को, लेग को इस तरीके से रख देना है और जो राइट साइड की लेग है उसे अपने हाथों से होल्ड कर लेना है और अपने ऊपर यानी कि चेस्ट की तरफ लगाने की कोशिश करनी है। इस तरीके से करिए और 10 तक काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी डिस्क बल्ज हो जाती है, ये उसको ठीक करता है। कभी भी इसको झटके से नहीं किया जाता, बहुत आराम से किया जाता है। अगर आपने इसे रेगुलर 1 से 2 दिन किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपने दूसरी लेग से भी करना है, चाहे दूसरी लेग में पेन नहीं हो रहा। सेम उसी तरीके से अब आपने अपनी लेफ्ट लेग को पकड़ लेना है, होल्ड कर लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमने दोनों लेग से करना है, 5 बार एक लेग से और 5 बार एक लेग से। अब दोस्तों, बचते हैं 2 पार्ट, यानी कौन सी चीजें आपने खानी है और कौन सी नहीं खानी। जो चीजें खानी है पहले उनकी बात करते हैं। दोस्तों, ऐसी चीजें जो वातनाशक हो तो सबसे अच्छी चीज होती है, जो नसों की ब्लॉकेज को भी दूर कर देगा, नसों को ताकत दे देगा और जितना भी वात के रोग है उनको दूर कर देगा। उसके लिए पारिजात के पत्तों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन पारिजात के पत्तों को अगर आप सीधा खाएंगे तो ये कभी असर नहीं करते, चाहे आप इसे कितना भी दिन खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका असर लेना चाहते हैं तो आपने इसका काढ़ा बनाकर ही इस्तेमाल करना है, वो भी खाली पेट। अगर आप कुछ खाना खाने के बाद इसका इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर आपका पेट साफ नहीं है फिर आप इसका इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसका असर नहीं होने वाला। सुबह आपने 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद आपने फ्रेश हो जाना है, पेट साफ हो जाएगा, उसके बाद आपने काढ़े को इस्तेमाल करना है। रात को पहले आपने 4 से 5 पारिजात के पत्तों का काढ़ा बना लेना है, उसे कूट लीजिए, 1 गिलास पानी में उबाल कर ये काढ़ा बन जाएगा और सुबह दोबारा इसे हल्का सा गुनगुना कीजिए। फिर आपने पेट साफ होने के बाद उस काढ़े का इस्तेमाल करना है। मेरे कहे तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिन इस्तेमाल कर लीजिए पेट साफ होने के बाद, आप खुद देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल गया। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी। दोस्तों, वो सभी चीजें जो वात को बढ़ाई बॉडी के अंदर, वो सभी सब्जियां, वो सभी फल,
जो वात को बॉडी में बढ़ा रहे हैं उनका सेवन आपने नहीं करना। इसके अलावा बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन आपने नहीं करना। ध्यान रखिएगा, चने की दाल, राजमा, गोभी, ये सभी चीजें आपके लिए नुकसान वाली है। वही मेथी का सेवन करना या फिर पंपकिन का सेवन करना, कद्दू का सेवन करना, ये आपके लिए फायदेमंद है। आपके लिए अदरक, लहसुन, इनका सेवन काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।